जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जानबूझकर किए गए पापों से कैसे मुक्त होना चाहिए। इस वीडियो को पूरा सुने और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली हमारी सारी धार्मिक वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। कभी कभी ऐसा होता है अगर हमसे कोई गलती अनजाने में होती है, और कभी ऐसा होता है कि हम किसी के प्रति जानबूझकर अपराध कर बैठते हैं और बाद में हमें उस बात का पश्चाताप भी होने लगता है और हम फिर सोचते हैं हमने ये गलती क्यों की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तमाम बातें याद आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में हम कोई मार्गदर्शक खोजते हैं जिसको हम अपनी वो सारी बात बता सके, या कह लीजिए हम उस भार को अपने मन से कम कर सके तथा हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारे मन से वो पश्चाताप का काम हो जाए जिससे हम अच्छा महसूस कर सके। ऐसा लगभग सभी के साथ होता है जब हम किसी को बेवजह परेशान या ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी आपको लगे हाँ हमने ये गलती की है, जानबूझकर की हो या फिर अनजाने में की हो, जब ये लगता है कि अब तो गलती हो ही गई है, इसके द्वारा जो दंड या कष्ट है उसे भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा भी विचार होने लगता है जो जैसा करता है उसे भी वैसा ही भुगतना पड़ता है। कोई देखे या ना देखे भगवान महाकाल तो सब देख ही रहे हैं, वह तो दंड देंगे ही। अब हम ऐसे में क्या करें जो हमें उस पाप अपराध का दंड कम से कम भुगतना पड़े, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इस पाप से मुक्त हो जाए। ऐसा भाव जब किसी के मन में आने लगता है पश्चाताप की भावना पैदा होने लगती है। सदैव याद रखिए, रात्रि कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, जब सूर्य उदय होने वाले होते हैं, सूर्य के उदय होने से पहले ही सूर्य की किरणें अपना प्रकाश फैला देती है, वैसे ही आप पाप से मुक्त हुए नहीं है, पर होने से पहले जो ये पश्चाताप की भावना पैदा होने लगी है, हाँ मैंने ये गलती की है, और मन में ये स्वीकार कर लेते हैं, तो इस बात की साक्षी माँ जगदम्बा भगवती है कि वे आपको क्षमा करना चाहती है। इस कारण ही आपके मन में यह भाव आ रहा है, अवश्य आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, जैसा भी पाप हो, माँ गंगा और नर्मदा माँ वे हर प्रकार के अपराधों को नष्ट कर देने में सक्षम है। ऐसे पाप जिनको आप दोबारा नहीं करना चाहते हो, तो गंगा स्नान आदि करके हम उस दोष से मुक्त हो सकते हैं। पर वहीं अगर वही पाप दोबारा करे और फिर गंगा स्नान या नर्मदा स्नान करके पाप मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गलती एक बार ही माफ करने योग्य रहती है। सदैव ये सभी को समझना चाहिए कि ज्ञानी व्यक्ति यदि एक ही पाप को जानबूझकर बार बार करता है और बार बार देवी देवताओं के शरणागत होने लगे, तब भी वह पापों से मुक्ति नहीं पा सकता। प्रजापति राजा दक्ष को भी उनकी गलती का क्षमा नहीं मिला था, उनका गर्दन धर से अलग हो ही गया था। फिर चाहे आप कितने भी बड़े भक्त क्यों न हो, इसलिए हम कोई भी ऐसा अपराध न करें बाद में देवता भी हमें दंड देने के लिए विवश हो जाए। इसलिए पाप होने पर मन से पश्चाताप करना बेहद जरूरी है, इसलिए सदैव भगवती गंगा के शरणागत होना चाहिए। पाप हारनी माँ गंगा सबके पापों का क्षय कर देती है। भगवती गंगा के नामों का पाठ करना चाहिए, सप्त ऋषियों और तीर्थों के नामों का पाठ करना चाहिए, और किए हुए पाप से मुक्त के लिए गोदान और तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। जो भी पश्चाताप के भाव से इन सभी कार्यों को करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। तो इस प्रकार हम उस अनजाने या जानबूझकर किए गए अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ काली, हर हर महादेव।